सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आज नगर के खटीमा चौराहे पर स्थापित महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति का अनावरण किया, जिसमें राजा समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के सितारगंज आगमन पर उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं सितारगंज की जनता को संबोधित कर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने जनता का आभार व्यक्त किया। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सितारगंज को विकास के पद पर आगे बढ़ते हुए नए विकास कार्य की बात कही। उन्होंने कहा कि सितारगंज के अंदर बुजुर्गों के लिए 15 करोड़ की लागत से पार्क बनाने जा रहा है, साथ ही छात्रों के लिए 1.5 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम का राजकीय इंटर कॉलेज में कार्य शुरू होने जा रहा है। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। सितारगंज से हमारा एक ही रिश्ता है, वो है विकास का रिश्ता, वोट का रिश्ता नहीं है। यहाँ पे इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, आपने देखा कि खाली महाराणा प्रताप जी की नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति, सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, भव्य मूर्ति लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, हमारा एक ही मंत्र है कि आप केवल जनता की सेवा करो, क्षेत्र का विकास करो, आगे राजनीति बाद में करो। देखिए, कोशिश की है हमने कि सितारगंज की जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और तीन मूर्तियां, जैसे अभी पिताजी ने बताया और मंच से मैंने बताया कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति यहां पर इसलिए लगाई गई क्योंकि जो पहले मूर्ति थी वो उनके सही व्यक्तित्व को नहीं दर्शा रही थी और लोग उससे नाराज थे, तो हमने एक भव्य मूर्ति लगाने का काम किया। सुभाष चंद्र बोस जी की भव्य मूर्ति शक्ति फार्म चौराहे पर लगाने का काम किया और एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति भव्य लगी है। कोशिश यही है कि हर समाज को साथ लेकर चला जा सके। हमारे जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, जो भारत के रत्न रहे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनके व्यक्तित्व को दर्शाने वाली मूर्तियाँ होनी चाहिए। उसी के सापेक्ष आज हमने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई है।